हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले तो मेरे वीडियो के माध्यम से पौधा देख लीजिए और पहचान कर लीजिए। इसे हस्ती सुंडी के नाम से जाना जाता है। अब इसे हस्ती सुंडी क्यों बोला जाता है वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। ये हाथी की सूंड की तरह दिखाई देता है, इस प्रकार से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, तो इसलिए इसका नाम हस्ती सुंडी पड़ा है। ये समस्त भारत में मुख्यतः पंजाब में झेलम है, इसी के आसपास में सड़कों के किनारे पर या पर्वतीय भूमि वहाँ पे बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और आयुर्वेद में इसका बहुत सारा आयुर्वेदिक फायदे बताए हैं, जो कि आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कई वीडियो में बोल चुका है कि ये मेरे यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि मेरे परिवार हैं, जिसमें आप लोगों को फ्री में, दोस्तों मैं आप सभी को, जितने जो लोग हमारे चैनल में लंबे टाइम से जुड़े, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि परिवार है, जिसमें आप और मैं सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल में जुड़े हुए सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा निरोग रहें, सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी हो, क्योंकि हम पेड़ पौधे की आयुर्वेद की जानकारी रख करके आने वाले टाइम में बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। हमें कभी भी मेडिसिन दवा के ऊपर में निर्भर नहीं होना चाहिए। तो हस्ती सुंडी का बहुत सारा आयुर्वेदिक फायदे हैं। आप अपना 4 से 5 मिनट का बहुमूल्य कीमती समय मुझे दें, 4 से 5 मिनट के आज आप जो मुझे बहुमूल्य कीमती समय देंगे, इसमें मैं आप लोगों को हस्ती सुंडी का आयुर्वेदिक फायदा बताऊंगा। और कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रहा हूँ ये अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आएंगे। और इस प्रकार की आयुर्वेदिक जो जानकारी होती है ना, हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, अन्यथा आपको ही भयंकर नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है अधकुचरे ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। आयुर्वेद की किताब में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वहाँ पे भी इसका वर्णन देखने को मिल जाते हैं। तो इसके आयुर्वेदिक फायदे कुछ इस प्रकार से हैं। जो ये हस्ती सुंडी है, ये नेत्र संबंधी बीमारी को ठीक करते हैं। इसके पत्ते को घी लगा करके गर्म करके आंखों पर बांधने से नेत्र में अगर दर्द हो रहे हैं तो नेत्र में होने वाले दर्द ठीक हो जाते हैं। इसके पत्ते को पीस करके गले पर लगाने से गंठमाला की बीमारी है वह भी बीमारी ठीक हो जाती है, जिसे हम घेंघा भी बोल सकते हैं। यह गले संबंधी कोई भी बीमारी हुआ ठीक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों पेट के दर्द को ठीक करता है। 2 से 4 ग्राम इसके पत्तों का रस उबाल करके सेवन करने से पेट के दर्द ठीक हो जाते हैं। गठिया में दर्द होता है तो इसके जड़ को पीस करके या इसका काढ़ा बना करके पिया जाए तो गठिया संबंधी बीमारी ठीक हो जाते हैं। पुराने घाव है तो इसके पत्ते को पीस करके लेप कर देने से पुराने घाव ठीक हो जाते हैं। कुष्ठ है तो इसके पत्ते का रस सीध तेल के साथ में, शीत तेल मतलब इसके पत्ते का जो रस निकालना है और किसी तेल में डाल करके कुष्ठ की बीमारी पर लगा देने से कुष्ठ रोग, कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाते हैं। इसके पत्ते का रस नाक पर टपका देने से कैसा भी पुराना अपस्मार हो, मिर्गी की बीमारी हुआ ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, इस प्रकार की जानकारी हमेशा काम आती है। तो अगर किसी को मिर्गी का अटैक आता है तो 1 महीने तक इसका निरंतर प्रयोग करने के लिए बताया गया है आयुर्वेद में, इससे मिर्गी की बीमारी ठीक होते हैं। तो इसके पत्ते का रस नष्ट देना यानी कि नाकों पर टपकाना है, तब जाकर के मिर्गी की बीमारी ठीक होते हैं। अब इधर के जो फायदे बता रहा हूँ ये आपको जिंदगी भर काम आएंगे। तो अगर किसी को गलती से बिच्छू ने डंक मार लिए हैं, काट दिए हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए, ये पौधे को कहीं से भी आप पता करके देख ले, पहचान कर ले, पौधे इस प्रकार से होता है, इसके जड़ को पानी में घिस करके जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा हो तो दंश स्थान पर लगा देने से 5 सेकेंड के भीतर ही बिच्छू के दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं और 15 से 20 मिनट के भीतर में बिच्छू के जहर हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग बिच्छू मारने पर झाड़ फूँक करते हैं, इधर उधर की दवा करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। हस्ती सुंडी के जड़ को पानी में घिस करके इसके जो मूल होता है जड़ लाते हैं, इसे पीस करके लेप करके लगा देने से, ऊपर से कपड़े बांध देने से भी जहर का शमन होता है, काफी आराम मिलता है। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को जो छोटा सा हस्ती सुंडी के प्राकृतिक उपचार सिखाया हूँ मित्रों, ये आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ, मैं फिर जुड़ता हूँ आप सभी से किसी और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।